बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के पेपर में एक अहम क्वेश्चन है जिससे तकरीबन तमाम लोग घबराते हैं। अगर उसको समझ लिया जाए तो वो क्वेश्चन सबसे आसान हो सकता है। वो है किसी पोएम को क्रिटिसाइज करना। पेपर के अंदर आपको मोस्टली दो पोएम्स दी जाती हैं और कहा जाता है एक पोएम को क्रिटिसाइज करें इन योर ओन वर्ड्स। आपने उस पोएम को क्रिटिसाइज करना होता है। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए, वो अप टू डेट देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हाय बीए के अंदर से जो पोएट्री थी वहाँ से कोई पोएम आ जाए, या जो मैंने पोएम्स पढ़ी हैं जॉन डन की वहाँ से कोई पोएम क्रिटिसाइज करने के लिए दे दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर होता है तो बहुत कम होता है। वेरी सिंपल, इसके लिए आपको खुद ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। और क्योंकि आप बीए से लेकर एमए तक एमए इंग्लिश लिटरेचर में आप एज अ क्रिटिक परफॉर्म कर रहे हैं, आप हैं ही क्रिटिक। ये अलग बात है कि आपको इस चीज़ का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप की बुक से रट्टा मार के याद करके चीज़ें ले जाते हैं। अदरवाइज ओरिजिनल बात यह है कि आप एज अ क्रिटिक वहाँ एज अ स्कॉलर बैठे होते हैं और जो आप तबसरे कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पे जो सवाल दिए जाते हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गलती है कि वो आपको सवाल बना कर देती है। वो आपका माइंडसेट बना हुआ है कि सवाल के जवाब लिखने हैं, हालांकि वो आपको डिबेट दे कि हाँ अभी इस चीज़ पर गुफ्तगू करनी है। चलो, ये एक सिस्टम का अलग प्रॉब्लम है, लेकिन हमने आज ये सीखना है कि एक पोएम को क्रिटिसाइज़ कैसे करना है। क्रिटिसाइज़ करने के लिए हमने रूल बनाए हैं, तकरीबन नियर अबाउट ये रूल हैं हमारे पास, 10 रूल हैं। 10 रूल हमने बना लिए हैं। इन 10 रूल्स को सामने रखकर हम पोएम को क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्लियर? अगर 10 पॉइंट्स सामने हमारे पास 10 रूल्स हैं, हम इन 10 रूल्स को सामने रखकर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये समझे 10 रूल्स लगाने से 10 आपके पैराग्राफ जनरेट हो जाते हैं। हर रूल का एक पैराग्राफ बन जाएगा, उसके मतलब आपने पोएम को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों पोएम्स को रीड करना है। जो पोएम कदरे आपको आसान लगे कंसेप्ट के हवाले से, आपने उस पोएम को सिलेक्ट कर लेना होता है। जो इस पोएम का कंसेप्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा हो कि हाँ इसमें ये बात की जा रही है, बस आपने उसको सिलेक्ट कर देना है और उस पर क्रिटिसिज्म शुरू करना है। क्रिटिसिज्म कैसे शुरू करेंगे, आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। ओके, स्टार्ट ऑफ द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पोएम 3 or 4 times। 3 or 4 times पढ़ेंगे उसे, जो उसके अंदर मेन आइडियाज जहाँ पर आपको नज़र आते हैं वो अंडरलाइन कर देंगे, जहाँ पर आपको समझ आई है पोएम की वो चीज़ें अंडरलाइन करेंगे। तो उसके बाद आपने उन तमाम पॉइंट्स को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपके जहन में एक कंसेप्ट बन जाएगा, भाई ये पोएम अबाउट डेमोक्रेसी है, ये पोएम किसी वार के बारे में है, ये पोएम आफ्टर वार लिखी गई है, ये पोएम कोई रिलीजियस क्रिटिसिज्म है, इस पोएम के अंदर कोई मॉडर्न सेंस दिया जा रहा है, या यहाँ पर लैक ऑफ टाइम की बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इंसान नेचर के करीब नहीं रहता। आप उसका एक व्यू पहले से बना लेंगे जहन में कि इस पोएम में ये बात की जा रही है। एक बात मैं और भी वाजे कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी पोएम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जहन में रखें, जो आइडिया आपको समझ आ रहा है उस पोएम में वही ही आइडिया है। ये जहन से बात बिल्कुल निकाल दें कि हाय अल्लाह, ये पोएम अगर एम के भुट्टा साहब इस पोएम को अगर क्रिटिसाइज़ करते तो वो सही समझ पाते कि इस पोएम में असल बात क्या है, या इस पोएम को कोई की बुक का और आथर वो या अंग्रेज़ को इसको पढ़ेगा तो वो सही समझेगा कि इसमें क्या कहा गया है। ये व्यू अपने जहन से निकाल देंगे। व्यू ये जहन में रखेंगे जो कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म का रूल है, वो ये है कि पोएम को पढ़ें और आपको जो सेंसेस गैदर हो रहे हैं, जो सेंसेस गेन कर रहे हैं उससे, आपको जो समझ आ रही है वही चीज़ ही उसके अंदर है। पहले ये होता था कि पोएम्स जो थी क्लासिकल पोएट्री स्पेशली है, उसके अंदर पोइट एक ख़ास सब्जेक्टिव ख्याल रखता था और उस ख्याल को ही फॉलो करना पड़ता था, उससे बकायदा पूछना पड़ता था कि जनाबे वाला आप इस पोएम के अंदर क्या कहना चाहते हैं।
क्या बात की है आपने, हमें समझ नहीं आ रही, बता दीजिए। वो बताता था तो वो बात मशहूर हो जाती कि भाई इस पोएम में इस लाइन का मतलब ये है, हमने डायरेक्ट पूछा है पोएट से। लेकिन ये व्यू गलत करार दे दिया गया है, अब ज़्यादा ब्रॉड तरीकाकार आ गया है, और वो ये है कि रीडर इज सुप्रीम नॉट द पोएट इज सुप्रीम। भाई रीडर आपकी पोएम भी पढ़े, फिर आपके ख्यालात को भी समझे, और फिर आपका ग़ुलाम भी मन कर रहे हैं कि आपने ये जो बात की है बड़ी कमाल की है। इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए रीडर को सुप्रीम कर दिया गया। भाई रीडर पोएम पढ़ेगा, उसके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे रीडर के, उसकी अपनी लाइफ के सारे जो उसके नॉलेज उसके पास मौजूद है, वो सारी चीज़ों को कंटेक्स्ट में रखकर जब पोएम पढ़ेगा तो उसको जो चीज़ समझ आएगी, उसको लगेगा ये बात ऐसे की गई है, तो उसको वैसे लेगा, तो ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप पोएम को पढ़ेंगे और जो ख्याल आपके जहन में बनेगा कि इस पोएम में ये कहा गया है, तो आप वो जो लिख रहे होंगे तो आप ठीक लिख रहे होंगे, आपका जो पेपर चेकर है आपको गलत नहीं कर देगा कि ओहो आपने ये क्या लिख दिया, ये तो बात की ही नहीं गई है। अगर आप लिटरेचर का लिटिल बिट सेंस रखते हैं और फिर आप पोएम को पढ़ रहे हैं, जो ख्याल आपके जहन में बन रहा है वही परफेक्ट है। मैं इस बात को 3 बार 4 मरतबा दोहरा चुका हूँ इस वक्त कि कॉन्फिडेंट रहिए, जो आइडिया आपके जहन में बन रहा है पोएम का, आपने जो उसे गैदर कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही ही ठीक है, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ठीक है। पोएम है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, एफ ए में आपने पढ़ी है, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। इसमें पोएट बताता है कि ये अंधेरा है और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं फ्रूट स्टॉल्स के ऊपर, और वो कहता है कि मेलन को देखता हूँ या गैवा को देखता हूँ या मैं ऑरेंज को देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे सूरज इनके अंदर उतर आया हो और ये इंतहाई चमकदार है, और यूँ लगता है जैसे ये तोप के गोले हों। पाकिस्तान में आप इस चीज़ को रखेंगे ऐसे यहाँ पर, तमाम लोग कहेंगे ये पोएट जो है टेरिफाइड है, और ये पोएम जो है ब्लास्ट के बारे में है, बम ब्लास्ट के बारे में है। ठीक है, डेफिनेटली हम उसको यही लेंगे, क्योंकि हम अपने सिनेरियो में अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पर देखेंगे। यही पोएम क्रिटिसाइज करने के लिए आप न्यूयॉर्क के अंदर एक खुशहाल घराने को देंगे, वो पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक गार्डन से है, जिनका ताल्लुक बागात से है, वो कहेगा ये तो बता रहा है कि इतने चमकदार, इतने रोशन, इतने मज़े मज़े के यहाँ फ्रूट रखे हुए हैं, बच्चे उनको मज़े मज़े लेकर खा रहे हैं। सिनेरियो तो क्या वो गलत है या हम गलत हैं या दोनों ठीक हैं? हम दोनों ठीक हैं। और पोएट का इसमें और बड़ा कमाल ये होता है कि वो ऐसी चीज़ लिखता है जो एम्बिगुअस होती है या थोड़ी सी कन्फ्यूज होती है या लाइट होती है, जो पोएम हर कंटेक्स्ट में सूट कर जाती है। दुनिया में जहाँ भी जाती है पोएम, लोग उसे अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में उसे देख कर उसको इंजॉय कर लेते हैं या उसे सेंसेस गेन कर। ये बड़ा पन है फिर पोएट का। ठीक है, तो ये बात भी जहन से निकाल लेंगे कि आए काश ये पता चल जाए कि ये पोएम किस राइटर की है, ये जॉन कीट्स की है या शेले की है, किसकी है। अगर ये पता चल जाए तो आसान हो जाएगा क्रिटिसाइज करना। भाई कोई आसान नहीं होगा, बाज़ूकत वो दे भी देते हैं नाम किस पोएट की है, बाज़ूकत नहीं भी देते। असल बात यह है कि आपके जितने बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे उसी के मुताबिक आप पोएम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितना आपने पढ़ा होगा उसी कंटेक्स्ट में आप क्रिटिसाइज़ करेंगे। आइए रूल नंबर 1 देखते हैं कि बात शुरू कैसे करनी है। जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम में, पोएम को पढ़ लिया, तो पहले पहले आपने क्या करना है, मैंने कहा अंडरलाइन कर लें जो चीज़ें समझ आई हैं, और उसके बाद एक व्यू बना लें कि इस पोएम में रशिया और अमेरिका के दरमियान होने वाली सर जंग की बात की गई है सपोज़, या आप व्यू बना लें भाई ये एक पेस्टोरल पोएम है जिसमें खूबसूरत सीन्स की बात की गई है, या ये एक रोमांटिक पोएम है। ठीक है, आप एक व्यू क्लियर कर लें भी इसमें ये बात हुई है। वो करने के बाद रूल नंबर 1 पर आते हैं। पैराग्राफ पहला शुरू करेंगे तो किस चीज़ पर शुरू करेंगे, पहले पहले आप स्टार्ट ऑफ द पोएम, पोएम का स्टार्ट कैसा है। मिसाल के तौर पर एब्रप्ट स्टार्ट है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जा और गिरते हुए तारे को थाम ले, एब्रप्ट स्टार्ट है। बिजी ओल्ड वूल अनरुली सन, एब्रप्ट स्टार्ट है, एट द सेम टाइम स्ट्राइकिंग भी है। तो
आपने ये बताना है कि स्टार्ट एब्रप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड एब्रप्ट स्टार्ट, देखो उसे वो फील्ड के अंदर तन्हा है। सोलेटरी रीपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एब्रप्ट स्टार्ट है, आपने ये देखना है। ड्रामेटिकल स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट क्या ड्रामेटिकल तो नहीं है, यानी कि मोनोलॉग तो नहीं है। आपने ये देखना है कि ऐसे तो नहीं है जैसे ड्रामे की स्टेज पर कोई करेक्टर आकर खुद से बातें करना शुरू करता है, वैसे तो नहीं है ये स्टार्ट। तो ये देखना है मोनोलॉग तो नहीं है। वंस देयर वर रोजेज रोजेज ऑन द वॉय, एक बार फूल ही फूल हुआ करते थे मेरे रास्ते में। पैट्रियार्ट इनटू अ ट्रेटर पोएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देयर वर रोजेज रोजेज ऑल द वॉय, तो वो मोनोलॉग से शुरू हो रही है बात कि एक बार ऐसा होता था कि मेरे रास्ते में फूल ही फूल हुआ करते थे, सुंबुल और रियान की खुशबू मेरे रास्ते में पागल हुए जाती थी। शुरू हो गया, तो ये क्या है ड्रामेटिकल स्टार्ट हो गया है, मोनोलॉग हो गया है। भाई ये मोनोलॉग तो नहीं है, आप पोएम में ये देखेंगे स्टार्ट कैसे। अच्छा स्ट्राइकिंग, ज़बरदस्त कमाल है, कमाल स्टार्ट किया या लेजी स्टार्ट किया उसने। ओके फिलासफिकल कोई बात तो नहीं की, कोई फिलासफिकल बात है तो आप उसको लिखेंगे जी फिलासफिकल, ये स्टार्ट जो है बड़ा फिलासफिकल मूड में हुआ है। फिलासफिकल की कोई एग्जांपल आपके माइंड में है? कोई ऐसी कोई जो फिलासफिकल स्टार्ट लेती है? ओके चलो कोई बात नहीं, अगर जहन में नहीं है, मेरे जहन में भी नहीं आ रही, तो देख लेना है कि स्टार्ट फिलासफिकल तो नहीं है। सडन स्टेप टू इमेजिनेटिव वर्ल्ड, क्या अचानक स्टेप लेकर आपको उसने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो नहीं पहुंचा दिया? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, एकदम आपको यहां से उठाया कमरे से बेड से उठाकर उसने फील्ड में पहुंचा दिया। बिहोल्ड हर, उसने कहा देखो, उसने देखो उसे वो खेत में तन्हा है। कॉलरिज की भी तो एक है ना, मिल्टन की फिलॉसफी नहीं, मिल्टन की फिलॉसफी नहीं है। हाँ उसे रिलीजियस स्टार्ट कह सकते हैं उसका है, ठीक है। अच्छा नरेटिव पोएम है वो, नरेटिव स्टार्ट है। अच्छा तो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, बट ओ दैट कॉजम, वो कुबलाई खान में कहता है, लेकिन मिड में जाके कहता है, मिड में जाके कहता है। बेस्ट एग्जांपल इमेजिनेटिव वर्ल्ड में फेंकने की आपको, वो वही है। कौन सी? बिहोल्ड हर सिंगल इन टू द फील्ड, देखो उसे सोलेटरी रीपर पोएम का नाम है, वाद की लिखी हुई है। अच्छा तो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुंचा दिया उसने स्टार्ट सी से, क्या ऐसी पोएम है? अच्छा हिस्टोरिकल, क्या पोएम के स्टार्ट में हिस्टोरिकल कोई रेफरेंस दिया गया है? ठीक है, जैसे कि एक बीए की पोएम है पॉलिटिक्स, बल्कि हल्की पुल्की सी पोएम है डब्ल्यू बी जीट्स की, उसके अंदर वो यही हिस्टोरिकल रेफरेंस देता है कि एक आदमी था, उस एक पोइट था, उसने ऐसी बात कही थी, लेकिन आज मैं कहता हूँ ऐसे नहीं ऐसे है। यानी कि हिस्टोरिकल कोई रेफरेंस तो नहीं आ रहा शुरू में, उससे बात तो नहीं शुरू हो रही। पैराडॉक्सिकल है, सच्चा पैराडॉक्सिकल तो नहीं है कि कहा जो जा रहा है असल में उसके उलट है और हकीकत भी है, यानी कि जो बात कही जा रही है वो उलट तो है लेकिन हकीकी भी है, सच्ची भी वही है। पैराडॉक्सिकल, जो बात कही जा रही है उलट तो है लेकिन हकीकी भी यही है। तो ये देखना है आपने, ये पोएम का स्टार्ट के बारे में आपने चार पाँच छः पॉइंट्स आपके जहन में हैं, इन पॉइंट्स को सामने रखकर आप पोएम को डिसीजन करेंगे कि पोएम का स्टार्ट कैसा है। यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यही चीज़। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट भी तो सोच सकते हैं, कोई सोचे डेफिनेटली आज़ादी है ना, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, बस एक जो स्टार्ट जेन में बना ले फिर उसी के मुताबिक चले। जी बिल्कुल, नहीं लाजमी नहीं, आप आगे अपने व्यू चेंज तब्दील कर सकते हैं, अब इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कहें कि मौर्य लिख रही है कि दैट इज अ फिलोसफिकल स्टार्ट, आप लिख रहे नहीं एब्रप्ट स्टार्ट है, तो इसका पोएम की नीचे वाली बॉडी पर या आईडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई स्टार्ट फिलोसफिकल है तो आगे पोएम पेस्टोरल हो गई है, सपोज आइडिया चेंज हो सकता है। स्टार्ट की बात करें कि स्टार्ट उसने कैसा लिया है, और मोस्टली आप स्टार्ट के बारे में मुत्तफिक रहते हैं जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं, आप इतना कुछ जानते होते हैं कि आप स्टार्ट हमेशा ही एक जैसा ही लिखते हैं कि हाँ इसमें ये है, वो बड़ी क्लियर होता है बहुत ज़्यादा। तो आप इसका एक पैराग्राफ बनाएंगे, द मोस्ट स्टार्टिंग थिंग इन द पोएम विच आई हैव नोटेड
is its start. The start of the poem is highly attributed and that is abrupt. ये अचानक है और कमाल किस्म का है, ठीक है. एंड द स्टार्ट हैज अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द होल बॉडी ऑफ द पोएम. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द सडन मूड ऑफ द पोएट. इट ऑल्सो इफेक्ट्स द डिसेंडिंग आइडिया विच इज कमिंग इन टू द माइंड ऑफ द मैन ऑफ द पोएट. And it also shows that poet is in what mood. अब ये इस तरह बातें बनानी होती हैं, कहनी होती हैं कि poet क्या कहे. ओके, एक paragraph इसका develop कर लेंगे. इसलिए मैंने आपको अभी example दे दी है कि आप सिर्फ ये लिख कर बैठ नहीं जाएंगे कि ओके poem is start is abrupt. इतना नहीं कहेंगे बल्कि उसको थोड़ा सा जोड़ेंगे, आगे पीछे lines उसके साथ add करेंगे. ओके, अच्छा. Rule two. दूसरा rule है, what is there in the poem? Presence of truth or fanciful idea. फिर आपने ये देखना है पूरी poem के अंदर, दूसरा paragraph इस बहस पर चला जाएगा, क्या इस poem के अंदर कोई truth बताया गया है, सच बताया गया है, कोई सच reveal किया गया है, या कोई fanciful idea दिया गया है, कोई दिलचस्प, कोई ख्याली, कोई पुरौनक रोशन सा idea दिया गया है, या ये सच पर मबनी कोई पोएम है, इसमें सच की बात की गई. इफ देयर इज ट्रूथ, अगर तो इस पोएम में के अंदर कोई सच रिवील किया गया है, ट्रूथ बताया गया है, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रूथ इज ओवर देयर. तो किस तरह का सच यहां पर है? कोई आइडियल ट्रूथ है, पोएटिक ट्रूथ है? चलो जरा देखते हैं. कोई पोएटिक ट्रूथ है, सपोज हम कहते हैं पोएटिक ट्रूथ कौन सा होता है? ऐसा होता है जस्टिस वाला होता है, ऐसा होता है जो रिलीजियस होता है, ऐसा होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसके सामने दो चीज़ें हम सामने रख कर उसे नहीं तोड़ सकते, बस वो रिवायती होता है, वो पहले से कहा गया होता है, वो किसी बिलीव पर होता है, तो इसलिए उसे पोएटिक ट्रूथ कहते हैं. तो पोएटिक ट्रूथ तो इसके अंदर नहीं है. आप ये देखेंगे, अगर आपका सेंस काम करता है, आपकी सोच काम करती है, भाई ओके भाई इस पोएम में बताया गया है कि एक पॉलिटिशियन था, उसने मिसडीड्स किए हैं, कुछ बुरे काम किए हैं उसने, तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया है, यू कैन से दैट दैट इज अ पोएटिक ट्रूथ. ओके, ये पोएटिक ट्रूथ है. अच्छा, अब दूसरी बात, रियलाइजेशन. अच्छा, एक बात तो ये हो गई, क्या इसके अंदर पोएटिक ट्रूथ है, ये जज करना है आपने. अगर पोएटिक ट्रूथ आपको नज़र आता है तो आप लिख देंगे पोएटिक ट्रूथ इस पोएम के अंदर मौजूद है. अगर दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है, रियलाइजेशन, क्या इस पोएम में किसी सच की रियलाइजेशन कराई गई है, रियलाइज़ कराया गया है. जैसा कि पेंटर पोएम है आपकी जॉन उशबेरी की, उस पोएम में आप देखते हैं कि रियलाइजेशन की गई है. किस चीज़ की? कि भी मॉडर्न दुनिया का एक मॉडर्न पेंटर वो एक मॉडर्न चीज़ क्रिएट करना चाहता है जो कि अभी तक हॉर्ड प्रेयर है, जो कि अभी तक सामने नहीं आ सकी, जिसको फिजिकली बयान नहीं किया जा सकता. ये है तो सच, कोई सच नहीं है तो ये सच की रियलाइजेशन कराई गई है, ना कि सच को मनोअन फिजिकल हालत में सामने रखा गया है. हमारे भी सच ये होता है, सच ये है 2 + 2 = 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन की गई है कि 2 + 2 = 5 होते हैं. कैसे होते हैं? उसका सेंस दिया जाता है. मैं सेंस दूंगा, भाई 2 + 2 = 2 के दरमियान में ये जमा का निशान है, असल में जमा नहीं है बल्कि एक लंबा डाल दिया गया है, एक खड़ा डाल दिया गया है. एक लंबा और एक खड़ा जब इकट्ठे लिखा गया है, असल में ये 2 लिखा हुआ है दरमियान में, ये एक यहाँ ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है. तो वो एक आधा ऊपर वाला कट जाता है, आधा नीचे वाला कट भी रहा है. मैं फिलॉसफी कर रहा हूँ अपनी, मेरा अपना वो है. मैं अगर इसको रियलाइज़ करा देता हूँ आपको, भाई दरमियान में जो ये जमा का निशान है, दरहकीकत ये एक का निशान है, ये एक लिखा हुआ है, तो
दो एक फिर दो इनका इकट्ठा पकड़ेंगे इसको तो ये पांच हो जाएगा। अच्छा अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ आपको इस अंदाज में बयान करने में कि आप भी एग्री हो जाते हैं, उस सेंस को गेन कर लेते हैं और आप ये भी सोचते हैं कि इस सेंस को गेन करने का कोई बेनिफिट भी है, कोई फ़ायदा भी है इसका, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी कोई चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है। अच्छा मैं इसके दूसरे एग्जांपल आपको नावल के अंदर दूंगा, टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस के अंदर कोई ट्रूथ है जिसको रियलाइज़ कराया गया है, बस रियलाइजेशन हो गया उसकी कि हाँ ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हाँ ये टाइम, हाँ ये इंसान की कनेक्टिविटी, हाँ ये DNA का आपस में ताल्लुक, ये कोई चीज़ें वाकई वर्दी हैं और यहीं ही रियलिटी है, यहीं ही ट्रूथ है, यहीं पर ही असल ज़िंदगी है, ना कि हाथ ज़िंदगी हैं, आँखें ज़िंदगी हैं, कान ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी नहीं है। कनेक्टिविटी, कायनात के साथ कनेक्शन, ये ज़िंदगी है। मैंने नावल की एग्जांपल दे दी, अगर ये पोएम के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी, यू विल अंडरस्टैंड दैट देर इज़ समथिंग ऑफ, देर इज़ रियलाइजेशन ऑफ समथिंग। किस चीज़ की रियलाइजेशन है? अच्छा एक बात हमने ये पढ़ी, क्या पोएम के अंदर पोएटिक ट्रूथ है या क्या पोएम के अंदर किसी अच्छे, किसी बड़े आइडिया की रियलाइजेशन है, ये हमने समझ लिया। न्यू अंडरस्टैंडिंग, क्या इस पोएम के अंदर कोई नया नई अंडरस्टैंडिंग है, कोई नई बात है? जैसे कि मैं कहता हूँ वल्बर की पोएम है, वल्बर की कौन सी पोएम है? स्टिल सिटीजन स्पैरो हैं। मैं गिद्ध को बहुत बुरा जानता हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों को बहुत बुरा जानता हूँ, स्टिल सिटीजन स्पैरो पढ़ने के बाद मुझे एक नया रियलाइजेशन मिलती है, मुझे एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्या भाई ये जो गिद्ध है या ये जो इंतहाई पुअर डर्टी लोग होते हैं, ये माशरे के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी होते हैं और इनका मकाम सबसे ऊंचा होता है। जो ही मैं अब अपने मुल्क के अंदर किसी अगवानी को देखता हूँ कागज़ चुनते हुए, गंद खोलते हुए, तो मुझे एहसास होता है कि यार ये लोग बहुत अजीम हैं और इनको, ये लोग हमारे मुल्क के अंदर सफाई का काम सर अंजाम दे रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ मुझे एक नई अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। आइडियल ट्रूथ? नो, आइडियल ट्रूथ नहीं, आइडियल ट्रूथ क्या होगा, एक पॉजिटिव ट्रूथ। अच्छा, हो गया ना। हाँ, आइडियल ट्रूथ ये है कि इस वक्त कोई कह दे कि मुझे एक शख्स मिला है जो एट द सेम टाइम जन्नत में भी जाता है, एट द सेम टाइम ज़मीन पर भी रहता है। मैं कहूँगा अगर मैं मतलब वो हूँ, प्रिज डाइस हूँ और नैरो माइंडेड हूँ, तो मैं कहूँगा दैट इज़ अ फ्यूटाइल, बहुत बुरी बात है, ये गलत बात की गई है। बट ये बात झूठ हो सकती है, किसी नावल का एक करेक्टर हो सकता है जो एट द सेम टाइम जन्नत में भी रहता हो, एट द सेम टाइम वो ज़मीन पर भी रहता हो, ठीक है? तो ये बात वैसे क्या है, झूठ लगती है, बट दैट कैन बी आइडियल ट्रूथ। फ्यूचर का सकता अंदर हो सकता है कि खुदा का कुर्ब इतना हासिल कर ले इंसान कि वो ये चीज़ें भी देख सके, वहाँ आ जा सके, उसकी रियलाइजेशन शुरू हो जाए। किस तरह कहते हैं, हर दौर में देखा है मेरी चश्मे शऊर ने, हर दौर में देखा है मेरी चश्मे शऊर ने, कुछ लोग ज़माने में खुदावंद रहे हैं। तो आइडियल ट्रूथ, आइडियल ट्रूथ ये है कि वो बात जो इस वक्त इस सिनेरियो में इस दौर में तो झूठ नज़र आए, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो सच होने के उसके इम्कानात हो जाएं, दैट इज़ आइडियल ट्रूथ। जैसे कि एक्लीस के बारे में होमर जब लिखता है तो वो कहता है कि एक आदमी है और वो 100 लोगों को एक ही वार में मार देता है, तो प्लेटो ने कहा दैट इज़ लाई, ये झूठ है। अरिस्टोटल ने कहा दैट इज़ आइडियल ट्रूथ। उस वक्त के लोगों ने यकीन किया या नहीं किया कि ये आइडियल ट्रूथ है, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज हमें पता है कि दैट वाज आइडियल ट्रूथ। उस वक्त के मुताबिक झूठ ज़रूर था, लेकिन आज हमारा एक कमज़ोर सा शख्स भी एटम बम के बटन पर अगर उंगली रख देगा तो वो 50 या 200 लोग नहीं, वो 2 लाख लोग को मार सकता है, ठीक है? तो वो जो एक्लीस वाला करेक्टर हीरो था, आज वो आइडियल ट्रूथ था, उस वक्त आइडियल ट्रूथ था, आज वो ट्रूथ हो गया है, ठीक है? इसी तरह पोएम में ये देखना है कि क्या इसके अंदर कोई आइडियल ट्रूथ तो नहीं बयान किया गया। जैसा कि पोएम में एक शख्स लिखता है और ये कह देता है कि मैं देख रहा हूँ कि काले, गोरे, बादामी रंग के तमाम लोग इकट्ठे शादियाँ कर रहे हैं, नाच रहे हैं
और वो रिलेटिव हैं आपस में, और वो पूरी दुनिया के कोई वीज़े वगैरह नहीं हैं, और लोग बैठे कोने में इस बात पर सरप्राइज हो रहे थे कि एक दौर होता था कि वीज़े भी होते थे, बड़ा मुश्किल होता दुनिया में जाना इधर उधर। वो उस पर हंसते और कहते यार वो लोग कैसे ज़िंदा रहते थे है? जैसे हम अब सोचते हैं ना फोन ही लगा लें सर कि पहले कैसे पैगाम देते हो, खत जाते थे बड़ी मुश्किल होती है, अब देखे कि वो इशू नहीं रहे। तो ये आइडियल ट्रूथ आज के दौर में हो सकता है जो अभी ना हो। आपकी पोएम में अगर ये जिक्र कर दिया गया है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का, तो अभी वो आइडियल ट्रूथ हो सकता है, ठीक है? तो आप उसे कह सकते हैं इस पोएम के अंदर एक आइडियल ट्रूथ बयान किया गया है। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं कि आप एक ही चीज़ डिस्कस करें। आगे पॉइंट है सम काइंड ऑफ बेटरमेंट। बताया गया क्या इस पोएम के अंदर किसी तरह की कोई बेटरमेंट की बात की गई है, कोई प्रोग्रेसिव बात की गई है, कोई तरक्की की बात की गई है, कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात की गई है, या फिजिकल प्रोग्रेस की बात की गई है, क्या किसी बेटरमेंट की बात की गई है? जैसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया मैं दे रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ये बेटरमेंट के लिए है ये आइडिया, यू कैन राइट इट यस, इस पॉइंट के अंदर प्रोग्रेसिव बात की गई है, ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट की बात की गई है। इज इट ओके? अपने भी ऐसी बातें डाल सकते हैं, अपने बातें कह, जो उस पोएम को पढ़कर आपको लगेगा उसके मुताबिक आप अपनी बात कह सकते हैं। आप किसी और पोएम की एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी और पोइट की क्रिटिक की कोट डाल सकते हैं उसके अंदर, आप शामिल कर सकते हैं। वो उस चीज़ को इन्हेंस करेगा, तकवीत देगा आपके ख्याल को। अगर ये पोइट ऐसी बात कर रहा है तो एक और पोइट ने भी ऐसी बात की थी। अच्छा, हिस्टोरिकल रेफरेंस तो ये भी बता सकते हैं कि इस पोइम के अंदर जिससे टूलेंट मैन है, टूलेंट मैन के अंदर आप देखें कि उसने बताना चाहता है कि यहाँ पर मतलब आज भी इंडस्ट्रियल या आज भी जनरल क्लैशेस के अंदर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आज भी लोग खून चूस रहे हैं, आज भी बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, आज भी नौजवान ज़िबा हो रहे हैं। इस ख्याल को देने के लिए उसने रेफरेंस डाला हिस्टोरिकल, कौन सा? टूलेंट मैन का। तो आप यहाँ पर देखेंगे पोएम के अंदर क्या किसी टूलेंट मैन का कोई रेफरेंस तो नहीं है, क्या कोई हिस्टोरिकल बात तो नहीं की गई, आप वो बयान करें। अच्छा, ये 5-6 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, पोएटिक ट्रूथ, रियलाइजेशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग, सम काइंड ऑफ बेटरमेंट या हिस्टोरिकल रेफरेंस इसमें मौजूद है। एट द सेम टाइम इसमें से 3-4 पॉइंट भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम पोएम के अंदर बेटरमेंट की बात भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की बात भी हो सकती है, और एट द सेम टाइम कोई अंडरस्टैंडिंग और बेटरमेंट दोनों चीज़ें इकट्ठे आ सकती हैं। कोई रियलाइजेशन हो सकती है पोएटिक ट्रूथ के साथ, वो भी हो सकता है एट द सेम टाइम। कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस हो सकता है साथ पोएटिक ट्रूथ हो सकता है, यानी कि दो एलिमेंट इकट्ठे भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट इकट्ठे भी हो सकते हैं पोएम के अंदर। तो आपने पूरा पैराग्राफ बनाना है, आपको 2 पॉइंट लगे इसके अंदर मौजूद हैं वो 2 लिखेंगे, 3 लगे 3 लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर हम मज़ीद ये बात करते हैं। हमने ये बात की थी शुरू में रूल के कि देखना ये है कि आइडिया जो इसके अंदर पोएम के अंदर ट्रूथ है या पोएम के अंदर कोई फैंसीफुल आइडिया है। अब तक हमने बात की है कि ट्रूथ के बारे में, ट्रूथ किस किस्म का है, पोएटिक ट्रूथ है, रियलाइजेशन है, क्या है, या कोई माजी के सच की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि फैंसीफुल आइडिया की। इफ़ देर इज़ सम फैंसीफुल आइडिया, यू हैव टू राइट व्हाट टाइप ऑफ आइडिया हैज़ डिलीवर्ड। अगर फैंसीफुल आइडिया है तो फैंसीफुल आइडिया किस तरह का है, क्या वो फैंसीफुल आइडिया कोई प्लेयर वाला है जिसको पढ़कर प्लेयर फील होती है। फैंसीफुल का मतलब पता है, रोशन, खुशगवार, ख्वाबीदा, जैसे ख्वाब देख रहे हूँ इतना खूबसूरत। अच्छा, अमेजमेंट है, क्या उसको पढ़कर अमेजिंग लगता है, यार बड़ा दिलचस्प, बड़ा अमेजमेंट आ गया अंदर पोएम पढ़ के। ड्रीम्स देखें, अब वो स्लेटरी पर अमेजमेंट है, प्लेयर है उसके अंदर, हम इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब एट द सेम टाइम वहीं जो उसके अंदर अमेजमेंट रखी गई है उसके अंदर स्लेटरी रीपर के अंदर,
उसके अंदर नॉस्टैल्जिक टेक्निक बताई गई है, नॉस्टैल्जिक अमेजमेंट है कि हम माजी की बात को याद करके उस दुख को अमेजमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर मेलनकली मौजूद है, अमेजमेंट तो है लेकिन मेलनकली भी है। मेलनकली इज़ एक्चुअली आल्सो अ पार्ट ऑफ अमेजमेंट। मेलनकली कहते हैं दुख को, लेकिन मेलनकली ऐसा दुख होता है जिसको याद करके आप एक अमेजमेंट में चले जाते हैं। किसी डिसीज पर्सन को याद करना, किसी मरे हुए को उसको याद करना, उसकी सारी बातें याद करना, वो आप एक ख़ास अमेजमेंट में चले जाते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। वह अच्छा ये भी देखना है इसके अंदर कि अमेजमेंट किस तरह की है, सैड अमेजमेंट है, मेलनकली है, नॉस्टैल्जिक है, या वैसे जनरल अमेजमेंट है। आप यानी जनरल अमेजमेंट से मुराद ये है आप इंथ्रॉल्ड हो गए हैं, जैसे कि वो एक जैसा कि एक पोएम है अपना फर्स्ट ईयर के अंदर, उसका नाम लिखा सॉन्ग है, लव सॉन्ग है उसका, इस तरह नाम है। इसमें वो कहता है कि मैं फीदर की तरह हूँ, मैं सब चरागाहों के अंदर नीले घोड़े की तरह हूँ। मतलब वो इससे कहता है मैं ज़िंदा हूँ, वो कहता है। आई थिंक दैट इज़ अ सॉन्ग, उसका नाम है, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है वो। तो वो देखें टोटल अमेजमेंट और इंथ्राल कर देता है, पलैया देता है वो सॉन्ग। ड्रीम्स बताए गए हैं, जैसे कि कुबलाई खान की पोएम पढ़ते हैं तो हमें यूँ लगता है जैसे ड्रीमी वर्ल्ड में चले गए हों। कुबलाई खान देखते हैं एसटी कॉलेज की, ड्रीमी है। एंशेंट मरीनर देखते हैं, ड्रीमी है। तो आप देखेंगे पोएम जो है फैंसीफुल ड्रीमी तो नहीं है, ड्रीमी है तो आप बताएंगे कि ड्रीमी है। जी रोमांटिक भी है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम बात ये कर रहे हैं कि पोएम के अंदर ट्रूथ बताया गया है या फैंसीफुल आइडिया दिया गया है। अगर फैंसीफुल आइडिया दिया गया है तो फैंसीफुल आइडिया वो मज़ेदार है, मज़ाई मतलब दिलचस्प है, अमेजमेंट वाला है, प्लेयर वाला है। वो फैंसीफुल आइडिया कोई ड्रीम के अंदर चले गए हैं, ड्रीम का आइडिया दिया गया है, वो आइडियलिज्म का आइडिया है, कोई आइडियल दुनिया क्रिएट कर दी है उसने पोएम के अंदर जो बहुत चमकदार रोशन ताबा सरसब्ज और इंतहाई खूबसूरत है, तो वो आइडियलिज्म तो इसके अंदर आइडिया फैंसीफुल आइडियलिज्म आइडियल आइडिया तो नहीं है, ये देखना है। अच्छा सुपर नेचुरल तो नहीं है आइडिया, कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट डाले गए हैं उस आइडिया के अंदर। फैंसीफुल आइडिया परी किसी को क्रिएट कर दी है कि एक परी है वो आसमान में उड़ रही है, या उसने नीले पीले उसके इर्द गिर्द रंग हैं सारे, वो ग्रीन सर्कल बनाती हुई चलती हुई जा रही है जैसे कि अलेक्जेंडर पोप कहता है, तो वो सुपर नेचुरल एलिमेंट तो नहीं है उसके अंदर। ये फैंसीफुल आइडिया ब्यूटी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ब्यूटी है तो ब्यूटी बयान करेंगे, कितना ब्यूटीफुल ये आइडिया है वो बयान करेंगे। आइडियल ट्रूथ, क्या इसके अंदर कोई आइडियल ट्रूथ बयान किया गया है? अब आइडियल ट्रूथ यहाँ पर यूँ लिखा गया है रिलेटेड टू कंक्रीट आइडियाज। आइडियल ट्रूथ ये नहीं होता, ये रिलेटेड टू कंक्रीट आइडियाज गलत लिखा हुआ है। अच्छा आइडियल ट्रूथ तो नहीं दिया गया पोएम के अंदर, आइडियल ट्रूथ भी फैंसीफुल हो सकता है। इस तरह के ट्रूथ पीछे फैंसीफुल हम कह रहे हैं, पीछे हम कह रहे थे कि कोई आइडियल ट्रूथ दिया गया होगा कोई, जैसे कि हमने एक लीज की एग्जांपल दे दी थी। इस तरह फैंसीफुल कोई आइडियल ट्रूथ ना दे दिया गया हो कि कोई सिटी दिखाया गया हो, बहुत खूबसूरत दिखाया गया हो, सरसब्ज दिखाया गया हो, पुरोशन दिखाया गया हो, लोग बहुत माइल्ड और मीक हो वहाँ पर, तो ये आइडियल ट्रूथ हो सकता है और फैंसीफुल भी हो सकता है एट द सेम टाइम। अच्छा इमेज ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर, उसके अंदर कोई प्रेजेंट फ्यूचर की बात तो नहीं की कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए कोई बहुत आइडियल सिटी क्रिएट कर दें तो फैंसीफुल होगा। प्रोग्रेसिव एक्साइटमेंट, अब उसके अंदर कुछ फैंसीफुल ऐसा आइडिया दिया गया हो खाबीदा किस्म का जो प्रोग्रेसिव भी हो एट द सेम टाइम। जैसे कि मैं एक प्ले की बात करूंगा, पोएम की बात नहीं करूंगा, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, वो एक प्ले है फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके अंदर क्या दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट है, एक आदमी दूसरे प्लैनेट से आ गया है और वो आकर कहता है जी तुम लोग तितलियों की माने तो जल्दी मर जाते हो, हम तो बड़ी देर ज़िंदा रहते हैं। और वो प्ले पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वी हैव टू वर्क मोर,
वी हैव टू मेक प्रोग्रेस मोर, हमें वाकई कायनात के अंदर जाना है और वाकई अपनी ज़िंदगी को तवील कर लेना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। प्यारे बच्चों, तो प्रोग्रेसिव एक्साइटमेंट है कि नहीं, वो हमने देखना है उस फैंसीफुल आइडिया के अंदर। अच्छा, अज्यूम फ्यूचर, भाई कोई फ्यूचर को अज्यूम किया गया है कि फ्यूचर कितना अच्छा होगा। भाई रूल नंबर टू को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। हमने कहा है रूल नंबर टू के अंदर आपने देखना है क्या जो आइडिया पेश किया गया है, जो थीम है उसका, जो मेन आइडिया है वो ट्रूथ पर मबनी है या कोई फैंसीफुल है आइडिया। फिर उसकी हमने कैटेगरी बनाई है, अगर ट्रूथ है तो पोएटिक ट्रूथ है या आइडियल ट्रूथ है या किसी चीज़ की रियलाइजेशन है या किसी सच की अंडरस्टैंडिंग है, क्या है वो। अगर वो फैंसीफुल आइडिया है तो प्लीजेंट है, मेलनकली वाला है, अमेजमेंट वाला है, आइडियल है, फ्यूचर के बारे में है, प्रोग्रेसिव है, या वो जस्ट कोई आइडियल ट्रूथ है या ब्यूटी है या सीनरी है, किस चीज़ कैसा है वो फैंसीफुल आइडिया, ये हमने क्या। ओके, अब आपके दो पैराग्राफ क्रिएट हो गए, ठीक, जिसके अंदर ये, अब सपोज़ अगर मेरे पास पेंटर पोएम है तो मैं इस बात को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, रूल नंबर टू का पैराग्राफ क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, तो मैं उसमें कहूँगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज़ द थीम दैट इज़ क्वाइट मॉडर्न है एंड देयर इज़ द रियलाइजेशन ऑफ सम ट्रूथ, द क्रिएटर वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दैट इज़ द पीक, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएशन। Poem is not giving some moral, there is not some solid conclusion, but there is something understanding. I have realized something, and what was this something? That creator is supreme. There should be no restriction on the creator. Creator के ऊपर कोई restriction नहीं होनी चाहिए, artist के ऊपर restriction नहीं होनी चाहिए कोई भी, उसे आज़ाद छोड़ दें, वो कुछ create करना चाहता है, वो create करना चाहता है which you can't understand, which is just a hot prayer. तो मुझे, मैंने इसका कहा जॉन अशबेरी की पोएम सामने रखते हुए, पेंटर मेरे सामने थी, मैंने कहा इसके अंदर जो आइडिया पेश किया गया है वो कोई हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, आइडिया जो है कोई चीज़ रियलाइज़ कराता है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन है, वो कोई ट्रूथ है, वो कुछ सच है, उसकी रियलाइजेशन है, मैंने ये कहा है। ओके, और वो सच क्या है मैंने वो भी बता दिया, वो सच ये है कि आर्टिस्ट के ऊपर शैकल्स नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, गो के वो प्रैक्टिकली वो काम कर सके या ना कर सके, ये है रियलाइजेशन, ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये है मेरी रियलाइजेशन इस पोएम को पढ़ने के बाद। ओके, तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ इस तरह क्रिएट होता है। और इसी तरह अगर पोएम को ब्लैक खान मेरे सामने आ गई है तो फैंसीफुल आइडिया हो जाएगा, फैंसीफुल में मैं कहूँगा जी सुपर नेचुरल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर ड्रीम्स मौजूद हैं, इसके अंदर ब्यूटी मौजूद है, सीनरीज मौजूद हैं, इसके अंदर रोमांटिक आइडियाज़ मौजूद हैं, तो मैं फैंसीफुल आइडिया की तमाम चीज़ें बताऊंगा। रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री पोएम में देखना है विजडम कैसी है। विजडम, यू हैव टू राइट हेयर व्हाट टाइप ऑफ विजडम हैज़ शोन इन द पोएम, पोएम के अंदर किस तरह की विजडम रखी गई है, विजडम ऑफ द पोएट। आपने ये देखना है कि पोएम को पढ़कर अंदाज़ा लगाना है कि आपका पोएट जो है वो कितना ज़हीन है, उसके अंदर कैसी विजडम है, पॉजिटिव विजडम है, नेगेटिव विजडम है, प्रिजडाइज्ड विजडम है या ब्रॉड विजडम है, वो किस तरह का आदमी है, वो ही इज़ अ प्रोग्रेसिव लाइक टी एस एलियट और ही इज़ रिग्रेसिव लाइक मिस्टर बलीने। एज अ पोइम इज मिस्टर बलीने, किसकी है जी, फिलिप लार्किन की, बलीने पढ़ेंगे तो आप कहेंगे इसके अंदर विजडम तो है या कोई सेंस तो है विजडम वाला, या आप चर्च पढ़ेंगे आप कहेंगे जी हाँ जी विजडम तो है पोइट के अंदर, बट दैट इज रिग्रेसिव, पॉजिटिव नहीं होगी। टी एस एलियट की कोई पोइम पढ़ेंगे, सपोज हॉलोमैन पढ़ेंगे आप उसकी, या डिपार्चर एंड अराइवल जैसे बी ए में पढ़ी थी वो पढ़ेंगे, वो पोएम आ गया तो आप कहेंगे दैट इज़
पोइट बड़ा वाइज है और पॉजिटिव विजडम है, प्रोग्रेसिव विजडम है, विजडम की ये बात है। अच्छा, विजडम ऑफ द पोइट, पोइम को पढ़ने के बाद विजडम ऑफ द पोइट सामने आती है। अच्छा, विजडम इन थीम्स, दूसरी बात कि थीम जो दिया गया है उसमें कितनी विजडम है। उसमें दो तरह की विजडम हो सकती है थीम को, एक तो थीम को जो पोइट के सेंट्रल आइडिया था जो पोइम के अंदर बताना चाहता है उसको पेश करने की विजडम कैसी है, दूसरी वो विजडम कैसी है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, दोनों चीज़ें उसमें होंगी। विलियम ब्लेक, ठीक है, विलियम ब्लेक क्या कहते हैं, अब उसने विजडम देनी है, भाई अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा हो, पॉइजन ट्री की बात कर रहा हूँ, बीए में भी है एम ए में भी है, ठीक है, पॉइजन ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर आप उसने विजडम देनी है, वो कहते हैं विजडम उसके लिए क्या देनी है, थीम की विजडम। थीम क्या है उसका, उसका थीम ये है भाई अगर आपको किसी पर गुस्सा हो तो वो गुस्सा निकाल दीजिए, आपके अंदर गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और आप फिर दोबारा दोस्त बन जाएंगे। गुस्से को दिल में रख कर किसी को दोस्त ना बनाइए, गुस्से को दिल में नहीं रखना, उसने ये विजडम देनी है। दी किस तरह से, उसने कहा जी मैं अपने दुश्मन से नाराज था, उसने एक ड्रामेटिकल एक स्टोरी बना दी। मैं अब उस थीम को रिप्रेजेंट करने की विजडम क्या है, मैं दुश्मन से नाराज़ था तो अपना गुस्सा बता नहीं सका उसे, मैं दोस्त से नाराज़ था तो मैंने उसे अपना गुस्सा बता दिया, जब गुस्सा बता दिया तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। दुश्मन को क्योंकि मैं अपना गुस्सा बता नहीं सका तो गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ और उसके अंदर मेरे जहन में एक प्लान बन गया और उस प्लान का आखिर एक नतीजा निकला और मैंने वो प्लान प्लांट किया, मैंने लगाया वो प्लान, शिकंजा बना के जब लगाया तो मेरा दुश्मन उसमें फंस गया और मैंने दुश्मन को मार डाला, और दुश्मन को मार डाला, इसके बाद पोएम एंड हो गई। उसने कहीं भी नहीं कहा कि भाई आप अपने गुस्से को निकाल दीजिए, उसने कहीं नहीं कहा, यानी कि पोएट ने पूरी पोएम में कहीं नसीहत नहीं की, उसे बात तो कर दी है, बात पहुंचा दी है, लेकिन बात पहुंचाने का अंदाज इतना कूल, इतना लाइट और इतना जनरल रखा है उसने कि हम पढ़ने के बाद सोच में होते हैं कि इसने बात क्या की है। अच्छा, हाँ गुस्सा निकाल देना चाहिए, वो ये कहना चाहता है, तो हम ज़्यादा ईगर हो गए, एक्टिव हो गए। तो ये रिप्रेजेंट करने का उसका एक अंदाज है, वो किस तरह। अब इसी तरह एड्राइन रिच है, अब एड्राइन रिच क्या है, वो आपको आइडिया देना चाहती है कि भाई तारीख के अंदर वैमेन जो है बड़ी फंसी हुई थी, शैकल में थी और बड़ी मजबूर थी, और उस मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, ये ना कहें कि उस दौर में अगर वो औरत जो है ना इस तरह ज़िंदगी गुजारती थी तो आज भी ऐसे गुजारें। हमें पता है कि तारीख के अंदर जो वैमेन थी वो परेशान हाल थी, आज भी वो परेशान हाल वैसे नहीं रह सकती, अब वो उसको तारीख के साथ मत जोड़ो। उसे ये आइडिया देना है कि वैमेन तारीख में खुशहाल नहीं थी, और आप ये मत कहो कि जैसे तारीख में माजी में औरत रहती थी अब भी औरत वैसे रहे, ये आइडिया, ये थीम उसने देना है, ये विजडम उसने थीम के अंदर रखी है, ये थीम विजडम वाला उसने पेश करना है, ठीक है। थीम की विजडम ये है। रिप्रेजेंट करने का अंदाज कैसा है, उसका वल्बर जैसा अंदाज नहीं है, उसने आपको साथ लेकर खुद ही पैड और सारा मास्क पहन के पानी के अंदर गुजर गई, दाखिल हो गई है, उसने आपको साथ सफ़र करा दिया है। वो तो क्या थी पोएम, रैक, रैक इनटू अ सी था, क्या था, हाँ चलो व्हाटएवर। तो उसका थीम की विजडम और फिर थीम को रिप्रेजेंट करने की विजडम, ये दो पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी बताएंगे कि थीम क्या है और उसकी विजडम क्या है, और एट द सेम टाइम ये बताएंगे, पहले बताएंगे पोएट कितना वाइज है, उसकी विजडम क्या है, फिर थीम के अंदर कितनी विजडम है, थीम कितना अच्छा है, कितना वाइज है, फिर थीम को रिप्रेजेंट करने का विजडम क्या है कि पेश कैसे किया गया है। एक विजडम ये होती है थीम को किसी आइडिया को पेश करने की कि नसीहत कर दी जाती है। एक प्रकार ये है कि नसीहत नहीं की जाती, सिर्फ थीम दे दिया जाता है और लाइट अंदाज में आपको स्ट्राइक किया जाता है, आपके माइंड को स्टिमुलेट किया जाता है कि आप खुद ही सोचें। क्लियर। ओवरऑल विजडम मीन्स व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। चलो जी,
मतलब नहीं, मैंने कहा कि ओवरऑल कहने का मतलब ये, विजडम का मतलब ये है ओवरऑल भाई, मेन आइडिया कितना ताकतवर है, मजबूत है, अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, कितना जानदार है, ये बताना। रूल नंबर 4। अच्छा, उसने लिखा है नोट्स जो सारे बनवाए थे उससे, आसमा से, उसने कहीं भी ये नहीं शो किया कि हाँ जी, उसने आखिर में लिखा है कि फ्रॉम द डेस्क ऑफ एम के भुट्टा, उसे लिखा है प्रिपेयर्ड बाय आसमा। चलो रूल नंबर 4, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। पोएम का सब्जेक्ट मैटर क्या है? नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर में हम देखते हैं क्या इस पोएम के ज़रिए कोई रिफॉर्मेशन की बात की गई है, क्या माशरे को, कौम को रिफॉर्म करने की बात की गई है, आप पोएम पढ़ के अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या ये हालोमिन है टी एस एलियट की लिखी हुई, के भी जिसमें बात की गई है कि इंसान को रिफॉर्म होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, डिपार्चर एंड अराइवल है कि हमें होपफुल रहना चाहिए, तमाम दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए। अगर ये रिफॉर्मेशन की पोएम है तो फिर आप लिखेंगे कि यस, रिफॉर्मेशन इस पोएम के अंदर है, इसका सब्जेक्ट है रिफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सब्जेक्ट ये है। क्यों? उसमें ट्रूथ की बात की थी हमने, हाँ उसमें ये फैंसिफुल आइडिया की बात की थी, यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि पोएट का सब्जेक्ट क्या है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखेंगे, चीज़ें मिलती जुलती ज़रूर होंगी, लेकिन आपने आखिर वहाँ पर लिखना भी तो है, और चीज़ों को अलग अलग क्यों ना लिखें, और अलग अलग एंगल बन जाएंगे आपके, ठीक है, दकीक हो जाएंगे। खैर, रिफॉर्मेशन की बात है तो आप लिखेंगे रिफॉर्मेशन है, और फिर रिफॉर्मेशन वाला वो आइडिया भी पेश कर देंगे भाई, जो रिफॉर्मेशन पोएट चाहता है या पोएम पढ़ के हमारे अंदर फील होती है कि ये रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है। क्या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की गई है? की गई है तो कैसे की गई है, कैसे, कौन से एविडेंसेस हैं, क्या बातें हैं, वो बात करेंगे। अच्छा, प्रेज ऑफ गॉड, क्या इस पोएम के अंदर प्रेज ऑफ गॉड है, इसका सब्जेक्ट मैटर गॉड की प्रेज है? क्या इस पोएम का सब्जेक्ट जो है वो ब्यूटी पेश करना है, क्या इस पोएम का सब्जेक्ट जो है वो नेचर है, या इस पोएम का सब्जेक्ट जो है एमिली डिकिन्सन की जैसे पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्या इसका सब्जेक्ट डेथ है? टाइम, क्या पोएम टाइम के ऊपर है, जैसा कि एक्लिसेस्टिकल फर्स्टर के अंदर एक पोएम है टाइम के नाम से, क्या ये टाइम के ऊपर कोई बात की गई है, इसका सब्जेक्ट टाइम है? ह्यूमन सैकी, क्या इंसानी सैकी की कोई बात की गई है, जैसे कि किसकी एग्जांपल दें, किड्स की? नो, नो, नहीं नहीं, वो सैकी वाली पोएम वो सैकी नहीं है। तो ह्यूमन सैकी से मुराद आप ये ले सकते हैं साइकोलॉजिकल, अगर कोई पेशेंट मौजूद है हमारे पास तो वो सिल्विया प्लेथ, हाँ वो बात की गई है, फ्रस्ट्रेशन सिल्विया प्लेथ की एग्जांपल दे सकते हैं। लॉन्लीनेस की बात की गई है तो लॉन्लीनेस की बात करेंगे। सोशल इशू, क्या इस पोएम के अंदर किसी सोशल इशू की बात की गई है? विल्बर की एक पोएम है जो न्यूज़पेपर के ऊपर है, हैं, वो क्या है पोएम का नाम? अच्छा, व्हाट्स एवर, जो भी पोएम है, तो सोशल इशू पर कोई बात की गई है वो बात कर सकते हैं आप इसको। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, या इंसान के फ्यूचर का सब्जेक्ट मैटर है। आई विल टेक मिनिमम हाफ आवर मूव, हाँ अपना काम करें कोई और। क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, चलो इधर आ जाओ, फिर हमारे साथ बैठो, हम देखो क्या कह रहे हैं, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, ये बातें सुने। रूल नंबर 5, यहाँ पर कोई चीज़ें मिटी हुई है, तो बहरहाल रूल नंबर 5 में हमने ये देखना है कि एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की बात करें। Thank you.
एक्सप्रेशनिज्म इसमें बताना है प्रेजेंस ऑफ राइटर्स ओन फीलिंग्स. पोएट का एक्सप्रेशन कैसा है, उसने एक्सप्रेस कैसे किया है आइडियाज़ को, तो राइटर के ओन फीलिंग्स आप बताएंगे कि राइटर के अपनी फीलिंग्स कैसी हैं. ही इज़ सैड, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ प्रोग्रेसिव, ही इज़ रिफॉर्मर. वो खुद कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं. हिज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आप पोएम को पढ़कर अंदाज़ा करके बताएंगे कि पोएट के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं. क्या लगता है कि इसमें लगता है कि पोएट की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही तल्ख है, बेटर है, या पोएट जो है वो वार के अंदर रहा है, वैर वार के कोई एक्सपीरियंसेस उसके पास हैं. जी जी टफ है, क्वाइट सीरियस है. और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि उस पोएम को पढ़े भी पोएटस जो है बहुत ज़्यादा ईगर है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और प्रैक्टिकल लॉजिक देती है. उसकी फीलिंग्स भी हम ये जाते हैं प्रैक्टिकल लॉजिक से. हिज थाट्स पोएट के एक्सप्रेस करने या पोएट के थाट्स कैसे हैं, तो एक्सप्रेशनिज्म के अंदर आपने पोएट से रिलेटेड रहना है और बताना है कि पोएट के एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये किस तरह का एक्सप्रेशन पोएम किस तरह का एक्सप्रेशन देती है, पोएम भी किस तरह का एक्सप्रेशन देती है, पोएट का एक्सप्रेस करने का अंदाज़ भी कैसा है. इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म का मतलब ये है कि पोएम पढ़कर आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है, आप उसका क्या इम्प्रेशन लेते हैं. ठीक है,